यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रेस क्लब ऊना और वन विभाग ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र शर्मा व महामंत्री जितेंद्र कंवर ने की। कुटलेहड़ क्षेत्र के गांव बॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने करीब 150 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के संरक्षक कंवर हरि सिंह और DFO ऊना यशुदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। क्लब के प्रधान सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि धरती के श्रृंगार को बेहतर बनाने के लिए हर नागरिक को पौधा लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। वहीं वन मंडलाधिकारी यशुदीप सिंह ने कहा कि वन विभाग भविष्य में भी प्रेस क्लब को पौधारोपण में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक भागीदारी से वन विभाग 50,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगा रहा है। आज प्रेस क्लब जैसे कि हमारा सामाजिक सरोकार का एक कार्यक्रम होता है, उसी के तहत हर वर्ष हम पौधारोपण कार्यक्रम करते हैं और आज हमने प्रेस क्लब ने सामूहिक तौर पर इसी सरोकार के तहत प्रकृति बचाओ और संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण करो, उसके तहत बॉल में पौधारोपण कार्यक्रम किया है वन विभाग के सौजन्य से। और ये हमने 100 से अधिक यहाँ पे पौधे लगाए हैं। हम भविष्य में भी इनके संरक्षण और इन्हें लगाने के लिए प्रेरणा भी देंगे और खुद भी इसमें भागीदार बने। आज जो प्रेस क्लब के साथ सहयोग में हमने प्लांटेशन की है, आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन और इतना एंथुजियाज़म हमें देखने को मिला। कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं ने तकरीबन 20 से 30 पौधे अकेले केवल उन्होंने लगाए हैं। टोटल तकरीबन 100 के करीब पौधे, 100 से 150 के करीब पौधे प्रेस क्लब की सहयोगिता से यहाँ पे वन विभाग द्वारा लगवाए गए हैं।